सब्सक्राइब कीजिए पॉल टेक्निकल्स को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पॉल टेक्निकल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप लिनक्स में कैसे आप फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब पैकेट फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं आप। तो दो तरीके हैं, एक तो है ग्राफिकल वे है, ग्राफिकल वे से आप फायरवॉल सेटिंग्स को ओपन करके एक एक आप पोर्ट को या फिर आपका सर्विसेज को सिलेक्ट करके आप इनेबल या डिजेबल कर सकते हैं, या फिर कमांड लाइन से। तो मैं दोनों ही दिखाऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखिए, आपको सपोज़ कोई भी एक सर्विस आपको अलाउ करना है आपका सर्वर में, तो फायरवॉल का रूल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है उसके लिए। बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल ऑन रहता है, सब पोर्ट डिजेबल रहता है और आपको उसको इनेबल करना पड़ता है। तो पहले तो देखिए, एक ग्राफिकल वे में दिखाता हूँ आपको। उसके लिए जो कमांड है वो है, सॉरी, फायरवॉल कॉन्फ़िग करने से क्या होता है, फायरवॉल हाइफ़न कॉन्फ़िग देने से आपका एक ग्राफिकल विंडो ओपन होता है फायरवॉल का। उस ग्राफिकल विंडो से आप, जैसे कि एक ग्राफिकल विंडो है फायरवॉल का, इस ग्राफिकल विंडो से आप क्या करेंगे, यहाँ से पब्लिक जो जोन होता है, यहाँ पे जोन देखिए अलग अलग जोन है, DMZ जोन है, एक्सटर्नल जोन है, होम जोन है, इंटरनल जोन है, पब्लिक जोन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक जोन रहता है, उसमें क्या क्या सर्विसेज इनेबल है या डिजेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप अलाउ भी कर, जैसे कि LDAP आपको अलाउ करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्विस को आपको रिलोड करना पड़ेगा, फायरवॉल सर्विस को। जैसे कि यहाँ पे परमानेंट करेंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। मतलब कोई भी एक सर्विस सिलेक्ट करके उसको परमानेंट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद फायरवॉल को आपको रिलोड फायरवॉल इसको रिलोड करना पड़ेगा। रिलोड करने से क्या होगा, वो रूल्स एप्लीकेबल हो जाएगा फायरवॉल इस सर्वर के लिए। तो ये ग्राफिकल वे है, जैसे कि आप पोर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड पोर्ट्स। आपको अगर पोर्ट पता है, TCP पोर्ट या फिर UDP पोर्ट पता है कौन सा ब्लॉक करना है या फिर कौन सा अलाउ करना है, तो यहाँ पे पोर्ट डाल सकते हैं, जैसे कि 22 या फिर HTTP के लिए आपका 80 पोर्ट। तो ये सब आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, पोर्ट ब्लॉकिंग के लिए या फिर पोर्ट एनेबल डिजेबल के लिए, ठीक है। उसके बाद है पोर्ट फॉरवर्डिंग, आप यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर को एक्सेस ना करने के लिए यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं पोर्ट रेंज या फिर पोर्ट या फिर IP एड्रेस किस में फॉरवर्ड होगा, तो सब आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं ग्राफिकली। उसके बाद आपको कमांड लाइन में कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो हो गया ग्राफिक के लिए, आप कैसे फायरवॉल में पोर्ट असाइन करेंगे या फिर सर्विस अनेबल डिजेबल करेंगे। तो ये तो इजी है। जो कमांड मोड से है उसके लिए जो कमांड आपको टाइप करना पड़ता है, एक्चुअली मैं पहले जो मेरे वीडियोस है उस वीडियोस में मैंने फायरवॉल रूल अप्लाई किया है बहुत सारे सर्विसेज में, अब वो देख सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं, या फिर मैं अभी दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि पहले फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका कौन कौन सा जोन आपके पास है वो देखने के लिए, कमांड मोड से जो कमांड है फायरवॉल CMD परमानेंट लिस्ट ऑल जोन्स, ठीक है। इसको एंटर करने से क्या होगा, आपका जितना भी जोन है फायरवॉल में सब जोन दिखा देगा। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल जोन कुछ यहाँ पे यस किया हुआ है एक सर्विस, बाकी जोन में मस्कीटो सर्विस नो है, DMZ जोन है, ब्लॉक जोन है, ड्रॉप जोन है, फिर आपका होम है, इंटरनल है, पब्लिक जो डिफ़ॉल्ट है वो पब्लिक है। आप जोन चेंज भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जोन यहाँ पे पब्लिक है, आप इससे बदले आप अपने हिसाब से दूसरा एक जोन, जैसे वर्क को डिफ़ॉल्ट आप डाल सकते हैं वर्क जोन में। तो हर जोन में क्या क्या चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ किया हुआ है देख लीजिए। होम जोन में देखिए DHCP क्लाइंट अलाउ है, IPP क्लाइंट अलाउ है, MDSN क्लाइंट अलाउ है, सांबा क्लाइंट अलाउ है, SSH अलाउ है होम जोन पे। पब्लिक जोन में देखिए DHCP अलाउ है, LDAP अलाउ है, SSH अलाउ है, ठीक है। तो जो जो जोन में जो जो सर्विसेज अलाउ है यहाँ पे शो करेगा आपका।
ठीक है। तो अभी एक्चुअली डिफ़ॉल्ट जोन कौन सा है आपका, या फिर डिफ़ॉल्ट जोन सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक जोन है, पब्लिक जो जोन है यहाँ पे, फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पब्लिक जो जोन है वो डिफ़ॉल्ट जोन है आपका, डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। आप अगर चाहते हैं तो वर्क को भी आप डिफ़ॉल्ट जोन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट जोन आपका चेंज करने के लिए सेट डिफ़ॉल्ट जोन इक्वल्स टू, आप यहाँ पे डाल सकते हैं कौन सा जोन का आपको डिफ़ॉल्ट जोन बनाना है। अभी करेंटली आपका कौन सा जोन डिफ़ॉल्ट जोन है उसको जानने के लिए जो कमांड है फायरवॉल cmd गेट डिफ़ॉल्ट जोन, ओके। गेट डिफ़ॉल्ट जोन से देखिए डिफ़ॉल्ट जोन यहाँ पे पब्लिक दिखा रहा है आपका। आप अगर चाहते हैं डिफ़ॉल्ट जोन को चेंज करना है तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, सेट डिफ़ॉल्ट जोन इक्वल्स टू, आपको जो जोन डिफ़ॉल्ट करना है, जैसे कि वर्क जोन का आपको डिफ़ॉल्ट करना है तो आपको वर्क जोन को आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सक्सेस हो गया। अभी कोई भी चीज़, कोई भी चेंजेस आप अगर फायरवॉल में करेंगे कमांड लाइन से, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फायरवॉल को रिलोड करना पड़ेगा। तो जो कमांड है फायरवॉल cmd, सॉरी गलत हुआ, फायरवॉल cmd रिलोड। तो फायरवॉल cmd रिलोड होने से क्या होगा, आपका जो रूल आपने अप्लाई किया है वो सेट हो जाएगा परमानेंटली। अभी आपका डिफ़ॉल्ट जोन देखने के लिए जो कमांड क्या है, फायरवॉल cmd गेट सॉरी डबल हाइफन चाहिए इसमें, गेट डिफ़ॉल्ट जोन। यहाँ पे देखिए वर्क जोन आपका डिफ़ॉल्ट, पहले क्या दिखा रहा था, पहले देखिए अगर पब्लिक जो जोन है उसको डिफ़ॉल्ट दिखा रहा था, अभी वर्क जो जोन है उसको डिफ़ॉल्ट दिखा, क्योंकि हमने क्या किया है डिफ़ॉल्ट जोन को मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी अगर आप जो जोन है सब जोन का अगर देखना चाहते हैं फिर से, लिस्ट ऑल जोन्स, तो यहाँ पे देखिए पहले पब्लिक में वो डिफ़ॉल्ट था, अभी वर्क में डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। अभी सपोज आपका पर्टिकुलर एक जोन में क्या क्या चीज़ अलाउ किया हुआ है वो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए है कमांड फायरवॉल cmd परमानेंट लिस्ट ऑल जोन। सपोज मुझे देखना है वर्क जोन में क्या क्या अलाउ किया गया है, या फिर वर्क जोन का जो पॉलिसी है क्या है, तो यहाँ पे एंटर करने से देखिए सिर्फ पर्टिकुलर वर्क जोन में क्या क्या पॉलिसीज है वो मुझे दिखाएगा, क्या क्या अलाउ सर्विसेज है वो देख मुझे दिखाएगा। मुझे पर्टिकुलर सिर्फ पब्लिक जोन का देखना है मुझे, तो उसके लिए जो कमांड है सेम कमांड, सिर्फ वर्क की जगह पब्लिक को डालना है। यहाँ पे देखिए सिर्फ पब्लिक जोन में आपका क्या क्या सर्विसेज अलाउ है वो सब आपको शो कर रहा है। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, फायरवॉल में आप पॉलिसी के क्या क्या एप्लीकेबल है, कौन कौन सा जोन में, या फिर कौन कौन सा जोन है वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट जोन को, डिफ़ॉल्ट जोन में पब्लिक कर देता हूँ, उसके बाद क्या करना है रिलोड, ठीक है। अभी डिफ़ॉल्ट जोन मेरा पब्लिक हो चुका है, हाँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफ़ॉल्ट जोन में या फिर पब्लिक जोन में, या फिर आपका जो मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक जोन ही रहता है डिफ़ॉल्ट, आप कैसे पॉलिसीज अप्लाई करेंगे, रूल कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज़ मुझे इस सर्वर में HTTP सर्विस अलाउ करना है, या फिर उसके लिए पॉलिसी डालना है कि HTTP सर्विस अलाउ हो। ग्राफिकली तो मैंने दिखा दिया आपको, आप सिर्फ टिक करना है, या फिर परमानेंट पॉलिसी, उसके बाद पॉलिसी रिलोड करने से हो जाता है। अभी कमांड से है फायरवॉल cmd परमानेंट
ऐड। ऐड क्या है? सर्विस। सपोज आपको पार्टिकुलर सर्विस को अलाउ करना है, तो उसके लिए है HTTP सर्विस को आपको अलाउ करना है, जो तो कमांड है फायरवॉल CMD परमानेंट हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन ऐड सर्विसेज इक्वल्स टू HTTP। तो इससे क्या होगा, मेरा HTTP सर्विस इसमें अलाउ हो जाएगा। उसके बाद रीलोड करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पॉलिसी अलाउ नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो रिलोड हो चुका है और पॉलिसी भी अलाउ हो चुका है। अभी चेक करना है कि पॉलिसी ठीक ठाक हुआ कि नहीं। तो उसके लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल CMD हाइफ़न हाइफ़न परमानेंट लिस्ट ऑल क्या है जोन, कौन सा जोन है? डिफ़ॉल्ट पब्लिक। लिस्ट ऑल जोन मतलब इस पब्लिक जोन में मुझे क्या क्या पॉलिसी सेट है या फिर कौन कौन सा सर्विसेज अलाउ है वो दिखाया गया। अभी देखिए मैंने HTTP, पहले HTTP नहीं था, अभी HTTP मैंने अलाउ किया तो HTTP आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर जोन में आप पॉलिसीज अप्लाई करके सर्विसेज अलाउ कर सकते हैं। अभी सपोज आपके पास सर्विस, क्या सर्विस है पता नहीं, आपको कोई दे दिया कि मुझे पर्टिकुलर ये पोर्ट 21 पोर्ट को मुझे अलाउ करना है इस पोर्ट में या फिर उसको ब्लॉक करना है इस पोर्ट में। ठीक है, तो सपोज अच्छा मैंने तो अलाउ का दिखा दिया, कैसे ऐड करते हैं कैसे रिमूव करते हैं उसको भी दिखा देता हूँ। सेम सेम चीज़ है, सॉरी सेम सेम है, परमानेंट सिर्फ ऐड की जगह रिमूव, रिमूव सर्विसेज HTTP। ठीक है, तो जैसे आपने अलाउ किया ऐसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर फायरवॉल रिलोड, फायरवॉल CMD रिलोड। तो इस तरह से आप सर्विसेज अलाउ भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अभी अगर आप चेक करेंगे कि आपका जोन में क्या क्या अलाउ है, देखिए HTTP नहीं है, पहले HTTP था, अभी HTTP क्योंकि आपने रिमूव कर दिया है। तो अभी क्या होगा, HTTP कोई अलाउ नहीं होगा फायरवॉल में, क्योंकि फायरवॉल में उसको ब्लॉक किया गया, रिमूव किया गया है। अभी सपोज़ पर्टिकुलर एक पोर्ट को आपको दिया गया है, एक पोर्ट सपोज़ 21 पोर्ट को आपको अलाउ करना है, ये एक TCP पोर्ट है, उसको आपको फायरवॉल सर्विसेज में अलाउ या फिर ब्लॉक करना है। तो उसके लिए क्या है, फायरवॉल CMD हाइफन हाइफन परमानेंट ऐड, अगर आपको पोर्ट ऐड करना है तो ऐड पोर्ट इक्वल्स टू 21, ये कौन सा पोर्ट है, TCP पोर्ट है। ठीक है, तो पोर्ट 21 करके मुझे इस पोर्ट को ऐड करना है। उसके बाद फायरवॉल को रिलोड। अभी मेरा डिफ़ॉल्ट जोन जो है उसमें चेक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे पोर्ट 21, पोर्ट की जगह पहले देखिए पोर्ट्स की जगह ब्लैंक था, अभी पोर्ट की जगह TCP पोर्ट 21 को मैंने अलाउ कर दिया है। तो ऐसे आप पोर्ट भी अलाउ कर सकते हैं उसमें। रिमूव करने के लिए सेफ सेम वही मैंने दिखाया आपको, जैसे कि ऐड किया है वैसे ही रिमूव, इसको रिमूव कर दीजिए, फायरवॉल रिलोड कर दीजिए, फिर आप चेक कीजिए लिस्ट, यहाँ पे देखिए पोर्ट रिमूव हो चुका है। ठीक है, अभी अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है कि आप पर्टिकुलर ऐसे सोर्स, सपोज आपका सर्वर में इस पर्टिकुलर IP से सब अलाउ है, या फिर इस पर्टिकुलर IP से जो जो सर्विस आपका डिफ़ॉल्ट जोन में है वो सब अलाउ है, या फिर इस पर्टिकुलर IP आपका सर्वर को या फिर सर्विसेज एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ पर्टिकुलर IP को, मतलब सोर्स को आप कैसे असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड है वही फायरवॉल CMD हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन ऐड हाइफन सोर्स, सोर्स सोर्स के बाद सपोज आपको एक पार्टिकुलर IP को असाइन करना है कि ये पार्टिकुलर IP आपका डिफॉल्ट जोन का ये सर्विसेज यूज़ कर सकता है। तो आप सपोज मैं दे देता हूँ एक IP 25.0.10, तो इसका जो सबनेट होगा 24। तो मुझे पर्टिकुलर इस IP को ऐड करना है, मतलब इस IP मेरा डिफॉल्ट जो सर्विसेज है उस सबको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप पर्टिकुलर सोर्स को अलाउ कर सकते हैं कि ये सोर्स से मेरा डिफ़ॉल्ट जो जितना भी सर्विसेज है मैं डिफ़ॉल्ट जोन का वो सर्विसेज यूज़ कर पाएगा और बाकी कोई नहीं कर पाएगा।
सेम आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड सोर्स की जगह आप रिमूव सोर्स कर दीजिए तो क्या होगा, पर्टिकुलर आईपी रिमूव हो जाएगा, वो सबके लिए अलाउ हो जाएगा वो चीज़। तो ऐसे ही आप लिनक्स में फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर फायरवॉल आपका सिस्टम में ऑन है, आप कोई भी आप LDAP कॉन्फ़िगर कर रहे हो या फिर HTTP कॉन्फ़िगर कर रहे हो या फिर DNS कॉन्फ़िगर कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल में उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर सर्विसेज को या फिर पर्टिकुलर पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने से क्या होगा, उस अलाउ करने से ही आपका ये पर्टिकुलर पोर्ट या फिर पर्टिकुलर सर्विस आपका इस सिस्टम में काम करेगा या फिर फायरवॉल इसको ब्लॉक नहीं करेगा, इसको अलाउ कर देगा। और एक चीज़ है, आप पर्टिकुलर कोई भी एग्जिस्टिंग पोर्ट को चेक करना चाहते हैं, मतलब कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है HTTP, तो उसके लिए कैट ETC सर्विसेस फिर ग्रैप HTTP, मतलब आपको कोई भी, नॉट ओनली HTTP, कोई भी सर्विसेज कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है इसको जानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या पोर्ट ये HTTP यूज़ कर रहा है, कौन कौन सा पोर्ट HTTP यूज़ कर रहा है या फिर कौन कौन सा पोर्ट UDP यूज़ कर रहा है, तो इसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं। देखिए बाई डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट यूज़ करता है HTTP, ठीक है, और HTTPS क्या यूज़ करता है 443, तो इसके आपको पोर्ट का जानकारी हो जाएगा कि कौन कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है, कौन कौन सा सर्विसेज। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सांबा दे दूँ तो SMB देखिए 5443 SMB डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे SMB एनेबल नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, जो SMB डायरेक्ट है उसका पोर्ट दिखा रहा है। आप अगर इसमें LDAP कौन सा पोर्ट यूज़ करता है, तो LDAP देखिए बाई डिफ़ॉल्ट 389 यूज़ करता है पोर्ट, और LDAP S यूज़ करता है 636 पोर्ट, TCP पोर्ट और ADP पोर्ट, ठीक है। तो ऐसे आप पोर्ट का जानकारी भी आपको मिल सकता है इस कमांड से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको लॉक सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर ऐसी लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक उसके बाद IPv6 IPv6 कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लिनक्स मशीन में, सर्वर में, तो सब एक के बाद एक मैं वीडियो डालता रहूँगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।